ट्रांसफर ऑफ शेयर ट्रांसफर ऑफ शेयर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसफर का पहले में हम समझ लेते हैं एक बात को बस खत्म ही होने वाला है चैप्टर एक है ट्रांसफर एक है ट्रांसमिशन सर ट्रांसफर कब होता है सर सर ट्रांसफर मतलब मान लो एक्स है एक व्यक्ति और एक व्यक्ति वाई है एक्स ने एक शेयर खरीदा मान लेते हैं एसके डी लिमिटेड का मेरी कंपनी का शेयर खरीद लिया मान लेते हैं अब इसको पैसे की जरूरत है तो शेयर्स का एक सबसे बड़ा फीचर क्या है सर कि व्यक्ति अपने शेयर्स को किसी व्यक्ति को इजीली बेचा जा सकता है सबसे बड़ा फीचर यही है तो सर इसने क्या खरीदा है सर इसने खरीदा है शेयर्स और ये रहा शेयर्स इसके पास शेयर्स पड़ा हुआ है शेयर्स खरीदा है अब ये शेयर्स अपना बेच सकता है तो भाई इसको बेच देगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर सिंपल सी बात है तुम्हारे पास शेयर्स है तुम अपने शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हो कंपनी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती लिमिटेड कंपनी प्राइवेट के अंदर रिस्ट्रिक्शन जरूर है तो आप बेच सकते हो तो इसे क्या बोलेंगे ट्रांसफर सेम अगर व्यक्ति मान लेते हैं एग्जाम्पल मैं बिल्कुल सेम ले रहा हूँ सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ सेम अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा बस ध्यान से देखना है अब थोड़ी सी कहानी बदल देंगे यहाँ पे है ना चलो ये दो व्यक्ति हैं ये है मिस्टर एक्स और इसका ये मान लेते हैं इसका सन है स्मॉल एक्स इसका सन कौन है स्मॉल एक्स अब शेयर किसके पास है इसके पास है अब शेयर इसके पास है और बेचारा जो ये व्यक्ति है ये व्यक्ति है इसके पास शेयर है कितने शेयर है सर जो दे रखा है अचानक इसकी डेथ हो गई अचानक इसकी डेथ हो गई अब इस शेयर्स का मालिक कौन होगा सर शेयर क्या इसके पास रहेगा शेयर भाई मर गया तो अब इसका क्या काम है भाई इसे हटाओ इसको तो अब यह शेयर ऑटोमेटिकली बेच देते हो किसी दूसरे को, तो होता है लेकिन आपके पेरेंट्स के नाम पे प्रॉपर्टी था और किसी के पेरेंट्स के नाम पे और उसके पेरेंट्स के डेथ होने की वजह से उसके किसको मिल जाता है बेटे को तो उसको बोला जाता है ट्रांसमिशन या सचेशन बोला जाता है क्या बोला जाता है ट्रांसमिशन तो होपफुली आपको दो वर्ड समझ में आ रहा होगा ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ट्रांसफर अपने आप ट्रांसफर जो होल्डर है वही करेगा ट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली हो जाता है उसका जो भी नॉमिनी डला होता है उसके अकॉर्डिंगली ठीक है ना चलिए सर पहले ट्रांसफर देख लेंगे फिर ट्रांसमिशन देख लेंगे कहता है शेयर ऑफ द कंपनी ल्डर इन द मैनर ऑफ प्रिस्क्राइब आर्टिकल जो आर्टिकल में बता रखा होगा कि इस कानून से करना है आपको ट्रांसफर करने से पहले यह फॉर्म भरना है इस तरीके से करना है पंद्रह दिन बाद आपको शेयर मिलेगा वो प्रोसीजर होगा ट्रांसफर शेयर एब्सुलट द इनहेरेंट ऑनरशिप आपका ऑफ द शेयर कहता है कि भैया आपका एक स्टार्टिंग से अधिकार है ट्रांसफर करना आपको कोई रोक नहीं सकता आर्टिकल कैन नॉट बी एब्सुलटली टेक अवे द राइट ऑफ मेंबर ट्रांसफर ऑफ शेयर आर्टिकल ऐसा नहीं कह सकता कि भैया तू शेयर ट्रांसफर नहीं करेगा उसका राइट right है ये एक तरीके से आगे कहता है शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी फ्रीली ट्रांसफर सेक्शन 58 एट वेर द प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्ड टू रिस्ट्रिक्टेड राइट ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी में आप फ्रीली नहीं बेच सकते सिर्फ लिमिटेड कंपनी के अंदर आप शेयर को फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्राइवेट कंपनी कंटेन द काइंड ऑफ रिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफिलिटी ऑफ द शेयर जनरली द रिस्ट्रक्शन पुट बाय वे ऑफ प्राइवेट कंपनी इज दैट द प्री प्रिजम्पन वेयर बाय द मेंबर रिक्वायर्ड टू बी ऑफर दियर शेयर फर्स्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऐसा बोला गया है कि भाई जब भी कभी तुम्हें शेयर बेचना हो ना तो पहले आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछ लो उसने मना किया तब बाहर बेच सकते हो ये प्राइवेट कंपनी के लिए बनाया गया है क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अंदर लिमिटेड मेंबर होते हैं 200 200 से ज्यादा मेंबर हो नहीं सकते और मेरे पास चीयर है मैंने एक एक करके बेच दिया और मैंने 200 से जगह 300 मेंबर कर दिया डिफॉल्ट हो गया वो तो प्राइवेट कंपनी अपने प्रोविजन को फॉलो करने में उसे तो पब्लिक लिमिटेड में जाना पड़ेगा फिर तो इस तरीके से चलिए सर डिफरेंस मैंने ट्रांसमिशन के बारे में बता दिया तो मैंने इसके बारे में ज्यादा ना लिख के सीधा डिफरेंस मैंने बता दिया यहाँ पे कहता है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर वॉलेंट्री एक्ट वॉलेंट्री मतलब शेयर होल्डर अपने इच्छा से शेयर को क्या करता है ट्रांसफर करता है लेकिन ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन इज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ लॉ के हिसाब से होगा टेक प्लेस इवन डेथ कब होगा डेथ हो जाए उसकी इंसॉल्वेंसी हो जाए लुनेसी मेंबर हो जाए पागल हो जाए वो इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी हो जाए कंपनी इट्स मेंबर तो ऐसे केस में ये क्या माना जाएगा हमारा ट्रांसमिशन माना जाएगा दूसरे की बात करते हैं इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर अ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर है फॉर्मल इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू बी एक्स एक्जीक्यूटेड बाय बोध आप दोनों पार्टी जब ट्रांसफर करेंगे तो दोनों पार्टी का रिक्वायर्ड होगा एक ट्रांसफरर होगा एक ट्रांसफर ही होगा जो ट्रांसफरर होता है कौन होता है जो शेयर्स को दे रहा है ट्रांसफर ही कौन होता है जो शेयर्स को ले रहा है अब शेयर्स को शेयर लेने वाले दोनों के वॉलेंट्री रिक्वायरमेंट जरूरी है देने वाला के भी और लेने वाला के भी इच्छा होना चाहिए तभी हो सकता है लेकिन ट्रांसमिशन में तो मिलेगा ही मिलेगा भाई ट्रांसमिशन ड्यू टू नॉट रिक्वायर्ड एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है कि भैया अब उसकी डेथ हो गई उसको शेयर्स मिलेगा ही मिलेगा

Uh, कितना बन गया पांच सौ रुपए हमें सरकार को टैक्स देना पड़ेगा कब ट्रांसफर के केस में मैं लिख देता हूं आपको याद रखिएगा पॉइंट फाइव परसेंट स्टैंप ड्यूटी है यहां पे लेकिन अब स्टैंप ड्यूटी नॉट रिक्वायर्ड ट्रांसमिशन के केस में गवर्नमेंट बोलती है भाई ये तो ट्रांसमिशन ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं तो यहां पर स्टैंप ड्यूटी की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रांसफर ऑफ शेयर नॉट की बात करता हूं, के आ, ने रोक लगा दिया के था के फ्रॉड हुआ था कुछ Yes बैंक के अंदर तो उन्होंने बोल दिया था कि Yes बैंक का शेयर नहीं बिकेगा तीन सालों तक जिसने ले लिया सो ले लिया कोई नहीं बेच सकता अपने शेयर को कितने साल तक तीन साल तक तो उस पर रिस्ट्रिक्शन कितने साल का लगा दिया तीन साल लेकिन सेबी ने ये रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफर पे लगाया लेकिन मान लो जिसके पास शेयर था वो मर जाता जाता तो तो उसका शेयर ऑटोमेटिकली किसको ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन हो जाता? उसके फैमिली मेंबर को तो पे रोक नहीं लगाया जा सकता नो सच प्रोविजन आपका कोई प्रोभिट नहीं कर सकता एप्लीकेशन इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स तो ये कुछ था ट्रांसफर और ट्रांसमिशन बहुत अच्छे से करके जाइएगा इस पे से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द ट्रांसफर ट्रांसमिशन और इसके कुछ एक और प्रोविजन है वो भी देख लेंगे स्टॉपल बाय द ट्रांसफर अगला देखते हैं सर शेयर सर्टिफिकेट सर व्हाट इज द शेयर सर्टिफिकेट देख लेते हैं शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है आ जाइए शेयर सर्टिफिकेट मैं दिखा देता हूं आपको शेयर सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर्मेट नहीं शेयर सर्टिफिकेट ही देखते हैं चलिए सर कोई भी कंपनी का खोल लेते हैं ये देखिए ये कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट है जैसे एसोसिएट लिमिटेड है शेयर सर्टिफिकेट कोई भी कंपनी हो सकता है रिलायंस हो कोई भी हालांकि ये अब ज्यादा देखने को नहीं मिलता रीजन क्यों नहीं देखने के मिलता क्योंकि अब शेयर्स डीमेट्रलाइज हो चुका है आगे डीमेट्रलाइज के बारे में भी बात करेंगे इस पर क्या लिखा होता है शेयर्स का नंबर लिखा होता है रजिस्ट्रेशन नाम लिखा होता है ये सारी चीजें लिखा होता है कंपनी के स्टैंप होता है और आप देखोगे रेड कॉर्न कंपनी और पीछे कंपनी का क्या लगा हुआ है सर पीछे कंपनी का देखोगे आप तो लोगो भी लगा हुआ है इसको हम एक काम करते हैं यही बता देते हैं चलो कंपनी का लोगो यानी कंपनी की सारी डिटेल इसके अंदर एक होता है इसे बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट शेयर सर्टिफिकेट एक बार किसी को दे दिया जाता है ये कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है उसको चेंज नहीं किया जा सकता ये चीजें मानना है तो आइए चलिए देखते हैं शेयर सर्टिफिकेट क्या कहते हैं सर शेयर सर्टिफिकेट में क्या होगा डेट होगा नेम होगा क्वांटिटी होगा किस कंपनी का है ऑथराइज सिग्नेटरी होगा ये सारी चीजें क्या होगा शेयर सर्टिफिकेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कहता है अ शेयर सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट इज इशू बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील कॉमन सील का मतलब क्या होता है सर स्टैंप के अंदर स्पेसिफाई द शेयर हेल्ड बाय द नंबर इसके अंदर क्या मेंशन होगा नंबर सेक्शन 46 के हिसाब से इट इज द प्राइम ऑफ एविडेंस प्राइम ऑफेसिया का मतलब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता ये भाई सबूत है कि आपके पास शेयर्स है टाइटल ऑफ द पर्सन एक पर्सन का शेयर है उसका नाम लिखा जाएगा इट इज नॉट नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट और ऐसा नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है अठारह सो इकहत्तर के अकॉर्डिंग नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट जब कभी भी कोई शेयर्स या कुछ भी आप किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करते हो शेयर के अलावा आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा हो अगर बिल्स रिसिवेबल इलेवेंथ क्लास में तो वो क्या करते थे बी आर एक व्यक्ति से हम किसको दे देते थे, थे दूसरे व्यक्ति को इसको बोला जाता था नेगोशिएट करना उसके पीछे लिख के ऐसा शेयर्स के अंदर नहीं होगा नेगोशिएबल क्या होता है जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक पैसा किसी से व्यक्ति से लेना है एक्स से लेना है तो मैंने पीछे लिख दिया भाई एक्स तू एक काम करियो वाई को पैसा दे दियो तो ये हो गया नेगोशिएशन शेयर्स के ऊपर अगर आपका नाम लिखा है तो ये शेयर्स आपका ही आप पीछे लिख दोगे ना कि मोहन को दे देना शेयर तो नहीं हो सकता दैट इज नेगोशिएशन कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इट इज द फॉर्म गवर्न बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पार्टिसिपेशन अदर होल्डर होल्डरल वैल्यू होना चाहिए अमाउंट एक्चुअली पेड कितना अमाउंट पेड हुआ ये सारी डिटेल होगा इसके अंदर यानी शेयर्स के अंदर अल्टीमेटली देखा जाए तो शेयर्स क्या क्या काम करेगा नहीं करेगा कितने शेयर होंगे वो सारा डिटेल इसके अंदर मेंशन होना चाहिए आगे है टाइम लिमिट शेयर्स uh, को हम किसी को देते हैं तो कितने टाइम के बाद आपका शेयर उस व्यक्ति को चला जाएगा मान लेते हैं मेरे पास एक शेयर सर्टिफिकेट है मैंने आपको दे दिया जब मैंने आपको दे दिया तो कितने समय बाद आपका नाम उस कंपनी के आर ओ एम रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में लिखा जाएगा ठीक है तो ये आगे देखेंगे इसके बाद एक है पेनल्टी अगर आपने डुप्लीकेट सॉरी पेनल्टी और डुप्लीकेट क्या डुप्लीकेट कॉपी हो सकती है इसके शेयर्स की हो सकती है बिल्कुल अगर आपका खो जाता है तो कब कब हो सकता है वो देखेंगे लीगल इफेक्ट शेयर सर्टिफिकेट का देखना है बस कुछ एक पॉइंट रह गया हमारा उसके बाद डिपॉजिटरी है और दो तीन स्लाइड के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा